हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से चैनल में। दोस्तों, आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे थे कि इस तरीके की स्नो इफेक्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है और लगाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके की इफेक्ट को मैं बता दूं कि एलाइट मोशन ऐप से ही लगाया जाता है और मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि कैसे इस तरीके की इफेक्ट को अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने फोन में इस एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। एलाइट मोशन ऐप ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर से इस प्लस के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर से अपनी वीडियो के हिसाब से किसी भी साइज को सेलेक्ट कर लेनी है। और दोस्तों, साइज सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के चला आएगा, तो जस्ट यहाँ से अपनी वीडियो को सेलेक्ट करनी है। तो वीडियो सेलेक्ट करने के लिए इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना होगा और ऊपर में जो मीडिया वाला ऑप्शन है तो इस पर भी आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। अभी यहाँ पर से दोस्तों अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो जिस पर आप इस तरीके का स्नो इफेक्ट अप्लाई करने वाले हो। तो हमने भी इस वाली वीडियो को सेलेक्ट कर ली है। आप देख सकते हो इस पर कहीं भी इफेक्ट अप्लाई नहीं है, तो हम लोग यही वाली वीडियो पर स्नो इफेक्ट अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इसमें HDR इफेक्ट पहले से अप्लाई है। अगर आप लोग बोलोगे तो दोस्तों मैं इस इफेक्ट का भी ट्यूटोरियल बना दूंगा एक। तो दोस्तों, इस पर सबसे पहले स्नो इफेक्ट अप्लाई करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर से इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है और इस वाले शेप को आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, शेप जैसे सेलेक्ट होगा उसके बाद इस शेप को अच्छे तरीके से हम लोग जूम कर लेंगे, अपने पूरे फिट स्क्रीन में अप्लाई कर लेंगे और दोस्तों हमारा पूरा स्क्रीन कवर हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ से इस कलर एंड फिल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इस ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, याद रहे ये ब्लैक कलर का ही रहना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है और अभी इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अभी आपको थोड़ा सा नीचे कर देना है तो यहाँ एक लाइटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, इस लाइटिंग के ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और फर्स्ट में स्क्रीन वाला ऑप्शन है तो दोस्तों इस पर भी आपको एक बार क्लिक कर देना है। इससे आपकी शेप का जो ब्लैक कलर है वो गायब हो जाएगी। तो अभी आपको वीडियो के सबसे अंत में चले आना है और इस वाले निशान पर क्लिक कर देना है। इससे आपकी वो जो इफेक्ट है पूरी वीडियो में अप्लाई होगी। तो अभी आपको यहाँ से जस्ट शुरुआत में चले आना है और इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आपको यहाँ से इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अभी आपको ऊपर सर्च बार में चले जाना है और सर्च बार में जाने के बाद जस्ट आपको सिंपल सर्च करना है। दोस्तों, जैसे आप सिंपल सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट में मिलेगा स्टार फीड वाला जो इफेक्ट है, यही इफेक्ट है। तो इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट खुल के चली आएगी, तो इसमें से आप कुछ भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इसको अपने हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इस डॉट का जो साइज है उसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों, आपकी वीडियो में जैसा अच्छा लगे वैसा आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आप भी इतना के आसपास रख लेना। तो दोस्तों, यहाँ से आप इस स्नो इफेक्ट का कलर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, देख सकते हो किसी भी कलर का आप स्नो इफेक्ट रख सकते हो अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी कलर को सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से और नीचे में भी कुछ ब्राइटनेस वगैरह है तो इसको भी आप अपनी वीडियो के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ से आपको ऊपर आके इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है। जो की फ्रेम वाला प्लस का बटन है ना, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस पर क्लिक कर देने के बाद अगर आपका क्लिक नहीं हुआ एक बार में तो आप दूसरे बार में भी क्लिक कर सकते हो। दोस्तों, हमारा हट चुका है तो एक बार और हमने क्लिक कर दिया। तो इसको अच्छे तरीके से कम कर लेते हैं, अराउंड 1400 या 1500 के आसपास। तो आप अपनी वीडियो के हिसाब से भी देख सकते हो। और उसके बाद आपको इसी तरीके से वीडियो के सबसे अंत में चले जाना है और एक की फ्रेम वाला प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से क्लिक कर देने के बाद अब इसको बढ़ा लेना है। तो दोस्तों, मैं इसको बता देता हूं कि आपको कितना रख लेना है। तो इसको अराउंड वही आप 170 या 80 के आसपास आप जितना भी रखोगे आपकी वीडियो खराब नहीं होगी, देखने में अच्छा ही लगेगी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जो है लग चुकी है स्नो इफेक्ट। तो मैं इस वीडियो को अब सेव करके दिखाने वाला हूँ कि कैसा हमारा रिजल्ट। तो सेव करने के लिए ऊपर में जो निशान देख रहे हो इस पर क्लिक कर देना है और नीचे के एक्सपोर्ट वाला बटन है इस पर क्लिक करते ही आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, जब तक हमारी वीडियो सेव हो रही है तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, हमारी वीडियो सेव हो चुकी है तो ये रहा हमारा रिजल्ट। तो दोस्तों, देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्नो इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब इस इफेक्ट को आप किसी भी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो।